नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि YouTube चैनल का बैनर कैसे बनाते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी मिस मत करिएगा। मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगा, जो लोग भी यार चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि कंटिन्यूस ऐसा ही वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो बड़ा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा, कहीं पर भी मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो बड़ा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से YouTube चैनल का बैनर बनाते हैं। दोस्तों दिखाते हैं किस तरीके से कैनवा ऐप से YouTube चैनल का बैनर बनाते हैं। दोस्तों तो चलिए ये हम देख सकते हैं, क्रेट के बगल में कैनवा ऐप है, ये कैनवा ऐप चालू कर लिया। दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके आपको अपना कैनवा ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जीमेल आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। ये देखिए मेरा जीमेल आईडी से लॉगिन है, इसलिए मुझे नहीं करना है, मेरे पास ऑलरेडी है। सब कुछ हो गया, आपका लॉगिन कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं, सर्च योर कंटेंट एंड कैनवा, यहाँ पे जो भी चीज़ थंबनेल को सर्च करेंगे, थंबनेल जिस टाइप का भी आपको कंटेंट ये थंबनेल बनाना है उस टाइप का आपको यहाँ पे सर्च करना है। सबसे ऊपर देख रहे हैं ना, सर्च करना है, हर एक चीज़ का आपको मिल जाएगा किस टाइप का आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके माइंड में है नहीं किस टाइप का आप थंबनेल बना सकते हैं। तो आपको क्या करेगा, बहुत सारा थंबनेल दिखा देगा, जिस टाइप का आपको थंबनेल बनाना है उस टाइप का थंबनेल आप बना लीजिए। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है, मुझे YouTube चैनल का बैनर बनाना है, ठीक है, चैनल YouTube चैनल बैनर, ठीक है, BANER। अब मैंने ये चीज़ लिख दिया, अब देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खोल के आ जाएंगे। अब मुझे उसी में से जो अच्छा लगेगा मुझे उसी का बैनर बना देना है। दोस्तों तो ये खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट टाइम लगेगा। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये भी बैनर आ गया, नोच समाचार। इसमें देखिए दो टाइप के आएंगे, एक तो पेड होगा, ये देख सकते हैं प्रो लिखा हुआ, प्रो पेड है, जो प्रो नहीं लिखा हुआ वो पेड नहीं होगा। देख सकते हैं एक मॉर्गन मैक्सवेल, देख सकते हैं ये है एक सारा, यहाँ पे सारा कुछ दिखेगा, जिस टाइप का भी आपको बनाना है थंबनेल उस टाइप का आप यहाँ से उठा के थंबनेल बना सकते हैं। देखिए ये भी है, जिस टाइप का भी आपको बनाना हो, ये सारे थंबनेल के ऑप्शन दिए हैं किस टाइप का आपको अपना थंबनेल बनाना है। दोस्तों तो चलिए मैं कोई एक थंबनेल ये मान लीजिए ले लेता हूँ, ये देख लेना महल चैनल का थंबनेल मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब मुझे इसी पे सेम, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसी पे जो चीज़ वर्ड है, आप जिस टाइप का ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जिस टाइप का चैनल बना रहे हैं उस टाइप का आपको लिख देना है। अब पहले तो ये जो मोटे हेडिंग में है यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देना है, मेरा जैसे रविकांत नाम है, रविकांत सिंह के नाम से चैनल है, तो मैं रविकांत सिंह या टेक चैनल या जिस टाइप का भी चैनल हो, जो भी चैनल हो, अब मेरा मान लीजिए रवि वाला टेक चैनल है या टेक वाला रवि चैनल है, जो भी मेरा चैनल है वो मैं डाल देता हूँ। तो आपको अपने चैनल का नाम डाल देना है, जो भी हो, मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ रवि वाला टेक। चलिए मैं ये डाल दिया, अब ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में ये जो है ना, ये जो छोटे हेडिंग में, इसको आपको जूम कर लेना है अपना, आप जैसे आप टेक वीडियो बनाते तो टेक वीडियो डाल देना है, अगर ब्लॉगिंग करते तो ब्लॉगिंग डाल देना है, जो भी चीज़ हो यहाँ पे देख सकते हैं वही डाल देना है। अब मुझे अगर कॉमेडी वीडियो तो बनाना तो कॉमेडी, टेक वीडियो बनाना है टेक, नॉलेज नॉलेज, और जो भी चीज़ हो ब्लॉग, यहाँ पे जो भी चीज़ हो वहाँ पे डाल सकते हैं आप। आपको सेम, आपको इसके उसमें चेंज नहीं करना है, फिगर में चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर फिगर में चेंज करेंगे तो आपको समझ में। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा है, अब इसको भी जूम कर लेना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू वीडियो एवरी सैटरडे। तो आपको क्या करना है, आप जैसे आप डेली अगर डालते हैं तो डेली डाल देना है, अगर आप सप्ताह में एक बार डालते हैं तो सप्ताह में एक बार, न्यू वीडियो एवरी डे, EVERY एवरी डे। अब टाइम है तो टाइम डाल दीजिए, 9 AM या जो भी हो, जो भी हो वो टाइम डाल दीजिए, टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है, एवरी डे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको अपना अगर कुछ मेल आईडी है या कुछ भी है .com वेबसाइट वगैरह है तो यहाँ पे डाल देना है, अगर मेल है तो मेल भी आईडी भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर इसको डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों अब इसका अगर आपको मान लीजिए, अब इसको मुझे कलर चेंज करना है, देखिए तो यहाँ पर कलर भी ऑप्शन आएगा, ये कलर का ऑप्शन आएगा, ये देखिए यहाँ से कलर अगर चेंज करना चाहे तो ये कलर का भी ऑप्शन, जो भी कलर करना चाहेंगे, ब्लैक करना चाहेंगे ब्लैक हो जाएगा, अब इसको अगर वाइट करना चाहें, ये जो वर्ड लिखा है आपने तो इसको वाइट भी कर सकते हैं, ये देखिए ये वाइट कर लिया। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो रिप्लेस करना है तो ये देखिए फ़ोटो पे जाके यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस पे जाके जाने के बाद यहाँ पे जो भी फ़ोटो लगाना, अब मेरा एक फ़ोटो लगाना है
तो मैं चलिए अपना एक फ़ोटो लगा देता हूँ। ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया, ये देखिए फ़ोटो भी अपलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू एवरीडे, अब और कुछ भी वर्ड लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं आपको, जैसे कुछ भी लिखना हो। अब यहाँ पे लिखना हो दोस्तों, चैनल को फॉलो करें, चैनल को फॉलो करें। अब यहाँ पे ये लिख के अब आपको इसको छोटा कर देना है, एकदम साइज़ एकदम छोटी कर देना है, ये नीचे कर देना है। ठीक है, ये नीचे कर देना है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले जाना है, ऊपर ले जाने के लिए देख सकते हैं नज पे है, नज पे आपको क्लिक कर देना है। सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका भी अगर आपको कलर चेंज करना हो तो देख सकते हैं कलर का ऑप्शन आ रहा है, जो भी कलर करना चाहें अपने हिसाब से। देख रहे हैं बहुत सारे कलर ऑप्शन आ रहा है, ये करना चाहिए ये कर सकते हैं, 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 जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कर सकते हैं इसको भी। अब जिसको भी आपको कुछ भी करना हो तो ऑप्शन सारा दिया है दोस्तों। अब कुछ जैसे इस पर कुछ लगाना हो, मान लीजिए आपको एलिमेंट्स कोई लगाना हो तो एलिमेंट्स भी लगा सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स लगाना चाहें कुछ भी लगा सकते हैं आप। एलिमेंट्स भी यहाँ पे जिस टाइप का भी एलिमेंट्स सर्च करेंगे, ये एलिमेंट्स देखिए, ये सब जो भी हो, जैसे मान लीजिए ये लगाना चाहूँ, चलिए अब ये देखिए ये भी लग गया दोस्तों, देख रहे हैं ये लग गया। अब इसको थोड़ा सा फिल्टर करना चाहें फिल्टर कर सकते हैं अपने अनुसार, ये देखिए फिल्टर भी आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन भी आ जा रहा है बहुत सारे, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, देख रहे हैं सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हैं ये सारा कुछ करना चाहें। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ कर लिया, मान लीजिए सब कुछ थंबनेल वगैरह सब कुछ लिख लिया यहाँ पे सारा कुछ, ड्रॉ वगैरह को ड्राइंग अगर करना चाहें कुछ पेंसिल से तो ड्राइंग भी कर सकते हैं, जैसे ये करना चाहें इस टाइप का कुछ करना चाहें, इसके ऊपर कुछ करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो वो ड्राइंग भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वो भी ऑप्शन दे रहा है। अब इसको डिलीट करना हो तो ऐसे डिलीट कर दीजिए, डिलीट करना हो तो ऐसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी है, फोटो भी है, चार्ट भी है, ऐप भी है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब सब कुछ बैनर बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर देख रहे हैं तीर का निशान है, सब कुछ कर लिया, बट अगर आप डाउनलोड करेंगे नहीं तो ये नहीं होगा। तो अब ये तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड कर लिया दोस्तों, ये डाउनलोड हमारा हो गया दोस्तों। अब ये मेरा बैनर बन के तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है, ये बैनर बन के तैयार हो गया। अब इस बैनर को मुझे अपने उसमें लगाना है, तो चलिए YouTube चैनल में चलते हैं और इस बैनर को हम लगा के भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये मेरा जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे दिखेगा कि डाउनलोड हो गया। अब ये देखिए डाउनलोड, ये देखिए डाउनलोड हो गया, ये व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर करने के लिए ऑप्शन दे दिया। अब मुझे ये डाउनलोड होने के बाद ये देखिए गैलरी में सीधे आ भी गया होगा, ये देखिए ये नहीं है, ये देखिए गैलरी में आ भी गया, देख रहे हैं ना, ये गैलरी में आ गया क्योंकि इसी पे मैंने बनाया था, तो यही गैलरी में ये वो भी आ गया और ये भी आ गया, देख रहे हैं। अब मुझे इसी को अपने चैनल पर लगाना है, तो अब यहाँ पर गए यूट्यूब स्टूडियो में गए, देख लेना है आपको यूट्यूब स्टूडियो में ही जाना है। ये देखिए यहाँ पे YouTube स्टूडियो है ना, स्टूडियो में गए, अब ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर जो ये एक तो मेरा पिक्चर देख रहा है, एक यहाँ पे, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये पेंसिल का जो बटन है, पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है, पेंसिल के बटन पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कैमरे का ऑप्शन है, कैमरे पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद चूज़ योर फोटो, चूज़ फ्रॉम योर फोटो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं ये मेरा आ गया थंबनेल, अब ये बड़ा दिख रहा है, आपको ऐसे छोटा कर लेना है, ये ऑटोमेटिक साइज़ में आ जाएगा, देख रहे ना अभी आ गया सारा कुछ। अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, अब ये क्लिक कर दिया, देखिए ऑटोमेटिक ये यहाँ पे सेव हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपको सक्सेसफुल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए चैनल सक्सेसफुल बैनर अपडेट, ये देखिए आ गया ना सारा कुछ, देख रहे हैं मेरा फोटो भी आ गया, ये रवि वाला टिक भी आ गया, दोस्तों चैनल को फॉलो करें, सारा कुछ आ गया आपको, ये थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको YouTube चैनल का बैनर बनाना है दोस्तों।
ठीक है। तो देख सकते हैं ये बैनर भी मेरा बन गया, अब यहाँ पे आपको दिखेगा, देखा ना बैनर मेरा बन के तैयार हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हर हर महा।